एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राशिद सर्विस सेंटर में। और आज जो हम आपको वीडियो जो बना के दे रहे हैं वो वीडियो का टॉपिक है छोटी मशीन के केम की सेटिंग हमें कैसे करनी है और कहां पर रखनी है। और ये वीडियो खास तौर से हमारे मांगी है हमारे CH कृष्णा साहब हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने ये वीडियो मांगी है। तो आइए आज वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं कि आपको छोटी मशीन के केम की सेटिंग आसान और सिंपल तरीके से कहां पर रखनी है। तो आइए फ्रेंड दिखाते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ सामान निकाल लेता हूँ इसका मैं, जिससे कि आपको समझाने में और मुझे समझाने में और आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये माथा निकाल करके ये पैर गज हम इसका बाहर निकाल लेंगे, तभी आपको समझाएंगे बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से कि मशीन की केम की सेटिंग हमें कहाँ पर और कैसे रखनी है। ये पैर गज हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये सामान निकाल लिया है, फिलहाल अब इसका ये हम शानदार निकाल लेंगे और ताकि आपको और आसानी से हम इस मशीन में केम की सेटिंग आपको समझा सकें। तो देखिए फ्रेंड्स ये केम जो है हमारा हमने बिल्कुल अलग कर दिया, खोल दिया है, देख सकते हो आप ये बिल्कुल फ्री है केम। अब इस पर आपको हम सेटिंग बताएंगे कि आपको कहां पर और कैसे रखनी है सिंपल और आसान तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा केम जो है ये, तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप ये केम हमारा, ये संतरी का ये जो हिस्सा है ये आपका, ये देखिए ये बिल्कुल नीचे, तो हल्का सा यहाँ इस तरीके से यहाँ लाना है और हमें ये पेंच जो है यहाँ पर पेंच को टाइट कर देना है। तो केम की सेटिंग यहाँ पर करें, बाकी फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ये टाइट कर देना है यहाँ पर इस तरीके से। ये आप देख सकते हो ये जो है हमारा बिल्कुल सीधा है, लेकिन इसको हल्का सा आड़ा रख करके यहाँ पेंच कसना है। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ वो दूसरा तरीका क्या है। और अब दूसरा आपको दिखाते हैं कि हमें कैसे क्या करना है, दूसरा आसान तरीका आपको समझाते हैं वो ये है। फ्रेंड देखिए फिर से मैं एक बार केम को खोल रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स दोस्तों ये केम मैंने खोल दिया, देख सकते हो आप ये बिल्कुल लूज है हमारा केम, देख सकते हो नहीं चल रहा है, बिल्कुल लूज है। बाकी अब हमें कहाँ पर सेटिंग रखनी है ये आपको और समझाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा गज जो है, गज ये हमारा जब ऊपर नीचे से ऊपर की साइड में उठेगा, नीचे से ऊपर की साइड में, तो हमें यहाँ पर रोकना है इसको। ये देख सकते हो ये लट्टू का पेंच जो है हमारा, ये जो लट्टू का पेंच है यहाँ इस साइड पर रोकना है। ये देखिए इस तरीके से जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ रोकना है, और यहाँ रोकने पर गज को यहीं रोके रहें और केम को आपको वहीं ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में ला करके आपको इसको रोकना है केम को। ये केम देखिए ये यहाँ पर आपको इस तरीके से, यहाँ पर आपको इस तरीके से इस पेंच को कस देना है, टाइट कर देना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये गज जो है, देख सकते हो हम दिखा सकते हैं आपको, ये जब आपका, देखिए फ्रेंड्स ये जो गज जो है हमारा ये यहाँ से घूम करके जब ये ठीक यहाँ पर आ जाए, देखिए लट्टू का पेंच जो है हमारा इस तरीके से जब हम इसको घुमाएंगे तो ये गज जो है हमारा लट्टू का पेंच यहाँ आना चाहिए, ये ठीक देख सकते हो आप। इसे हल्का सा ऊपर को इस साइड में को कर लें, फिर केम का पेंच जो है, केम जो है हमें फिर देखिए ये हमारा पेंच यहाँ पर हमें इसको टाइट इस तरीके से यहीं टाइट कर देना है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप जो है हमारी वीडियो समझ चुके होंगे। और फिर फ्रेंड्स एक चीज़ और कि जब आप इसकी दांत की सेटिंग करें तो देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स जब
सुई हमारी आए तो ये दांते जो हम देखिए उठ रहे हैं, ये देख सकते हो आप, ये हमारे दांते, ये सुई उठी, दांते नीचे बैठ गए, तब हमारी सुई के सुराग पर ये सेटिंग आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये दांते जब हमारे पटली से नीचे बैठ जाएं, इसका मतलब ये होता है जब सुई हमारी ऊपर आए तो दांते कपड़ा आगे बढ़ा करके नीचे बैठ जाएं, तब हमारी सुई यहाँ पर आनी चाहिए। यही तरीका, एग्जैक्ट तरीका होता है केम की सेटिंग का। बाकी आप इसे कंप्लीट देख सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें, और फिर इंशाल्लाह मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। तो ये वीडियो जितनी हमारी मांगी थी CH कृष्णा साहब हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने फ़ोन किया था मेरे पास, बोले हमें केम की सेटिंग के बारे में बताएँ। तो मैं देखिए CH कृष्णा साहब, मैंने वीडियो बना दी आपकी, आप मुझे कमेंट करें, बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल राष्ट्रीय सर्विस सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है ये भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी ये आएगी कि हमारा जो इसका नाल का, जी देख सकते हो आप, नाल का जो हिस्सा होता है, नखे जो होते हैं नाल के, ये टूट गया है फिलहाल। और अगली वीडियो हम इसको भी तोड़ के दिखाएंगे आपको, बेल्टिंग कहाँ कराना है, कैसे कराना है, क्या कराना है। ये वीडियो हमारे परवेज भाई आसाम से, उन्होंने मांगी थी तो उनके लिए आएगी। और फिर उसके बाद ये वीडियो आएगी जो हमारे कान जो है, देख सकते हो आप, पिछली बार मैंने बेल्टिंग कराया था एक वीडियो, कान को तोड़ करके बेल्टिंग दूसरा बनाना है, फिर ये वीडियो आएगी। और आप जल्दी जल्दी कमेंट करें, बताएं आपको वीडियो कब जल्दी से आपके लिए मिलेगी, और कमेंट करें, बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, और इसके बारे में बताएं कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं। बाकी CH कृष्णा साहब के लिए वीडियो मैंने बना दी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ये आने वाली है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।